वेलकम एवरीवन, मैं आज एक यूनिक सा वीडियो लेके आया हूँ और ये है वो वीडियो। कितना यूनिक वीडियो है ना गाइस। उधर शरारती दिव्या एक बकरी को खेदाने लग चुकी है, इधर मैं गाय को दाना दे रहा था और उधर भी पहुंच गए हमारी शरारती दिव्या घर की सबसे छोटी शरारती दिव्या। गाइस कितना शरारत करती है, जहाँ भी जाओ जो भी करो वो करती ही करती है। गाइस कितना शरारत करती है। और थोड़ा सा हम लोग नजारा देखने के लिए हम लोग बैटलनाट बगान में पहुंच चुके हैं। और इससे ना गाइस एक चीज होता है, इससे पैसा इनकम भी होता है और ढेर सारा पैसा मिलता है। गाइस ये प्लांटेशन किया हुआ है, 3 महीना हो चुका है इसको लगाया हुआ और इसको और बड़ा होने के लिए 5 साल लगेगा। गाइस 5 साल तो वेट करना पड़ेगा। इसको हम तामुल बोलते हैं आसामीज भाषा में और ये असम का एक संस्कृति है। ये हम लोगों ने 3 बीघा मिट्टी में प्लांटेशन किया है और इससे पैसा इनकम होता है। गाइस ढेर सारा मनी मिलता है और इस मनी से हम लोग ढेर सारा कुछ काम कर सकते हैं। गाइस ये टोटल प्लांटेशन पिताजी और पापा जी ने किया है। पिताजी और पापा जी के लिए 1 लाख तो बनता है। गाइस सोचिए 3 बीघा मिट्टी में पिताजी और पापा ने इतना मेहनत करके, इतना धूप में मेहनत करके पिताजी और पापा ने ये इतना 3 बीघा मिट्टी में 400 पौधा। सोचिए गाइस 400 पौधा कितना है। गाइस 400 पौधा वो तो 2 आदमी भी नहीं लगा सकते, पर मेरा पिताजी और पापा जी स्ट्रॉन्ग है ना, तो इसलिए मेरा पिताजी और पापा जी ने लगाए है। गाइस पिताजी और पापा जी के लिए 1 लाख तो बनता है। गाइस प्लीज 1 लाख कर देना। गाइस मैं कपिल और ये मेरी बहन दिव्या और ये दोनों नाम जुड़ के एक कपिल दिव्या ब्लॉग्स बनता है। गाइस और इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कर देना। गाइस प्लीज 1 लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। देखिए शरारती दिव्या गौ माता का दूध निकालने लग गई और गौ माता ने 1 लाख दे दिया था। ये दिव्या तो सीधे हो जाएगी और गाँव में इतना हंगामा मचा के रख दी गई है। सुबह सुबह गाँव कहाँ गायब हो जाती है, मैं उठ के देखता हूँ तो कहाँ गायब हो जाती है। और ये गाय का दूध निकाल रही है। गाइस ये देखिए गाय का दूध निकाल रही है ये दिव्या, शरारती बहुत शरारत करती है। और ये छोटे बछड़े को मार रही है, देखिए इसका शरारत। गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।